कैसा है जूनियर एनटीआर का फर्स्ट लुक, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें और इस फर्स्ट लुक की खास बातें क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। फाइनली जूनियर एनटीआर का लुक शेयर कर दिया गया है। जैसा कि हमने कहा था, कोमाराम भीम का किरदार कर रहे हैं और उनका बर्थडे है। बर्थडे के दिन ही ये जो टीज़र है, ये लुक है, वो शेयर किया गया है और क्या गजब का ये सब कुछ, आप हैरान हो जाएंगे। एक बार देखिए उसे, आपको बता दें 3 घंटे पहले से रिलीज़ किया गया है और 1 मिलियन ये 3 घंटों में ही क्रॉस कर चुका है। राजा मौली को मानना पड़ेगा। अगर इंडियन सिनेमा को कोई वर्ल्ड वाइड फेमस कर रहा है, थोड़ी चर्चा दे रहा है, हमारी तारीफ़ें हो रही है, तो वो राज मौली की मेहनत है। जिस तरह से बाहुबली उन्होंने बनाई, बस ट्रिपल आर में भी वही जान फूंक के रख दी है, क्योंकि इस 1 मिनट के ट्रेलर से ही लग रहा है कि ये फिल्म क्या होने वाली है, विजन क्या होने वाला है। आज रामचरण ने अपनी जो आवाज़ है उसमें कोमाराम भीम यानी कि जूनियर एनटीआर को इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले जूनियर एनटीआर रामचरण को इंट्रोड्यूस कर चुके थे, तो अब जो ये पूरा का पूरा सीन है, ये फर्स्ट लुक है उनका जिसमें रिलीज़ किया गया है, उसमें आपको टॉप शॉट दिखेगा। सबसे पहले जंगल, स्मोक और सबसे ख़ास बात होती है बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि रोंगटे खड़े करने वाला है सूरज की किरणों के बीच। तूफानी समंदर भी जिसके आगे शांत हो जाए, ऐसा कुछ डायलॉग बज रहा है पीछे से वॉइस ओवर। और जूनियर एनटीआर की बॉडी देखने लायक है, वो जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया है, पहले उनका वज़न बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है वो वाकई देखने वाला है। उनके नंगे पैर दिख रहे हैं, जब वो झुकते हैं तो उनकी लेग मसल्स देखने वाली है। और हिंदी की बात करें, जो पीछे से रामचरण का वॉइस ओवर बज रहा है, उसमें थोड़ी सी हिंदी की एक्सेंट का दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं, अब हमें रियल जो हीरोज़ हैं उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी हिंदी में भी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, एक्सेंट तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं एक बैरन लैंड है जिसमें झंडा पकड़ते हुए एनटीआर तोड़ते हुए आ रहे हैं। इस झंडे में लिखा है जंगल, जल, ज़मीन, और इस लैंड में जिस तरह से वो दौड़ रहे हैं, उनकी आँखों से खून आ रहा है जो कि गिर रहा है। और फिर से वही पीछे से वॉइस ओवर आ रहा है, धरती की छाती का लाल, जंगल का दुलार, तो माउंटेन बस्ट होता है और फिर पानी डालते हुए नज़र आ रहे हैं जूनियर एनटीआर, खून धोते हुए अपना, और उनके चेस्ट में पंजे के निशान हैं, जिसको देखकर ये लग रहा है कि टाइगर और जूनियर एनटीआर का फाइट हुआ है। कानों में उन्होंने बाली पहना हुआ है, फिर वो ज़ोर से चिल्लाते हैं और यहाँ पर लग रहा है कि ये ट्रेलर जो है वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। एनटीआर भागते हुए जा रहे हैं, पैरेलल कैमरा जा रहा है, और जूनियर एनटीआर का जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। मुस्लिम के किरदार में वो नज़र आ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। इस 1 मिनट के जो ट्रेलर ने धड़के ने बढ़ा दिए, लोग की अलग ही लुक में नज़र आ रहे हैं जूनियर एनटीआर।
और जलवा देखने को मिल रहा है इसमें। डायरेक्टर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऐसे विजन की ज़रूरत है जो एसएस राजा मौली का है। जैसे उन्होंने बाहुबली बनाकर सबको पागल करके रख दिया है, अब जूनियर एनटीआर का जो ये टीज़र आया है उसको देख के लग रहा है कि ट्रिपल आर फिर से वही जादू क्रिएट करने वाली है। क्या आपने जूनियर एनटीआर का फर्स्ट लुक देखा? नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, कैसा लगा ये बताइए। और आपको बता दें ट्रिपल आर अगले साल तक ही रिलीज हो पाएगी, फिलहाल शूटिंग जारी है। इस फिल्म में आपको जूनियर एनटीआर तो नजर आएंगे ही, रामचरण होंगे, आलिया भट्ट और अजय देवगन एसएस राजामौली से डायरेक्ट कर रहे हैं और अगले साल तक ये फिल्म रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रिपल आर का कितना इंतज़ार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।